आपका सपना है केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने का। यदि आपने सपना बना रखा है तो आप इस सपने को पूरा करने के लिए आपको एग्ज़ाम देनी होगी, और एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सी विषयों से प्रश्न आएंगे इनके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं PRT की। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल के, तो आपको हिंदी के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 प्रश्न बहुत ही आसान है आपको करना। बस आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हिंदी के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की ओर। 10 प्रश्न आते हैं हिंदी के, और गद्यांश आता है। अब आपको दिखाते हैं कौन कौन से प्रश्न होंगे। क्वेश्चन है, गद्यांश होगा तो गद्यांश को पढ़ेंगे सबसे पहले। कबीर के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का समन्वय था। कबीर के तत्वों में कबीर के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का समन्वय था। एक साथ ही वे हिंदू भी थे और मुसलमान भी, संत भी थे और गृहस्थ भी थे। वे कवि और समाज सुधारक थे, और समाज के विभिन्न वर्गों में एकता उत्पन्न करने वाले उपदेशक भी थे। उन्होंने स्वयं को धर्म संप्रदाय नहीं चलाया, स्वयं का कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया था, पर आज हजारों व्यक्ति अपने को कबीरपंथी कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कबीरदास अपने समय के संतों में अलग स्थान रखते थे। अब प्रश्न है, इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, कबीर के व्यक्तित्व में समन्वय था, विपरीत विचारों का, समाज विरोधी विचारों का, विरोधी तत्वों का, विरोधी प्रवृत्तियों का। तो यहाँ देखते हैं, कबीर के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का समन्वय था, तो यहाँ आ जाएगा विरोधी तत्व, ऑप्शन 3। इस तरह से गद्यांश को देख करके ही इनके उत्तर देने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्यांश वही है जो पहले पढ़ा था। अब प्रश्न पढ़ते हैं हम। कबीर के बारे में सही कथन नहीं है, तो गलत कथन की पहचान करते। कबीर उपदेशक थे, कबीर कवि थे, कवि ने अपना धर्म संप्रदाय चलाया, कबीर ने अपना धर्म संप्रदाय चलाया, कबीर समाज सुधारक थे। तो यहाँ पर देखिए, कबीर ने स्वयं का कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया, स्वयं का कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया, और यहाँ पर दे रखा है अपना धर्म संप्रदाय चलाया, तो इसका भी ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ये भी गद्यांश से है, वही गद्यांश है। प्रश्न है, कबीरदास ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? समाज सुधार, गृहस्थ धर्म पालन, संतोचित व्यवहार, धर्म प्रचार। क्या नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धर्म प्रचार नहीं किया था उन्होंने,
तो यही होगा कि कोई धर्म संप्रदाय का प्रचार नहीं किया, ना तो उन्होंने चलाया और ना ही उन्होंने प्रचार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से केवीएस में आसान आसान प्रश्न आते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखो, यह मेरा चश्मा है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, इसमें कारक बताना है, कर्ता, करण, संबंध, अधिकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन दो इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। वचन के आधार पर बताना, जैसे एक वचन और बहुवचन, इनके आधार पर बताना है। ऑप्शन एक विद्यार्थी, विद्यार्थियों, गुब्बारा, गुब्बारे, कलम, कलमे, मेज, मेजे। तो यहाँ पर जो इसका असंगत युग्म है वो ऑप्शन एक होगा। यहाँ पर जो विद्यार्थियों हैं, इसका सही विद्यार्थियों ऐसे आएगा, विद्यार्थियों, तो ये इसका सही उत्तर होगा, शब्द का शब्द सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पट, बसन, धारित्री, चीर। तो यहाँ का सही आंसर आएगा ऑप्शन तीन धारित्री। तो धारित्री कपड़ा शब्द का सही अर्थ नहीं है, बाकी पट, बसन, चीर ये वस्त्र के ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पर्यायवाची से प्रश्न आया है एक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें विलोम शब्द से प्रश्न दिया है कि विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, तो इसमें गलत विलोम शब्द का चयन करना है, कुटिल, सहज, ज्योति, तम, जीवित, मृत, ताप, शीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कुटिल मानी होता है टेढ़ा, तो टेढ़ा का हो जाएगा सीधा, सहज सरल नहीं होगा। ज्योति प्रकाश का अंधकार, जीवित का मृत, ताप का शीत, तो पहला ही इसका सही आंसर आएगा। तो इस तरह से आसान आसान प्रश्न आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, तो यहाँ घबराने जैसी बात कोई है नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। तो यहाँ पर लिंग से प्रश्न पूछा गया है, श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, युवा, युवती, दाता, दत्री। तो ये चौथा ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा, दाता का दत्री नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ने तीन में ना तेरह में मुहावरे का सटीक अर्थ बताओ। तो यहाँ पर मुहावरों से प्रश्न आया है, ने तीन में ने तेरह में, कहीं का न रहना, बेकार हो जाना, किसी का पक्षधर न होना, निष्पक्षता का व्यवहार करना। तो
तो ना तीन में ना तेरे में, तो कहीं का न रहना, यानी किसी जगह पर नहीं हो तुम। तो ये इसका आंसर होगा, मुहावरे का अर्थ। अभी लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न। तो ये केवीएस में 20वें नंबर का प्रश्न है, लेकिन 10 प्रश्न आते हैं, तो 10 से लेकर 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न। जिनको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो जिनको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, तो कोई व्यक्ति विशेष है, तो इसका कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। तो जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। तो इस तरह से 10 प्रश्न आते हैं, और 10 प्रश्नों को हल करना आसान है। केवीएस में आपका सपना है प्राइमरी टीचर का, तो आप अपना सपना आसानी से पूरा कर सकते हैं। 180 प्रश्न आते हैं पूरे, और बाकी की वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। धन्यवाद।